सुपौल के रामनगर के मुखिया ईद मोहम्मद ने खुद से स्कूल को सैनिटाइज करते हुए मध्य विद्यालय क्वारंटीन बनाया, जिसमें बाहर से आए हुए मजदूरों के लिए सरकारी सुविधा के अलावा वर्तमान मुखिया के द्वारा खुद से खाने पीने से लेकर रहने समय तक का इंतजाम किया गया। आए लोगों के लिए हर एक चीज उपलब्ध है, साथ ही सारी सुविधा मौजूद है। इसको क्वारंटीन सेंटर में सारी सुविधा दी गई है और जहां तक कोशिश कर रहे हैं बाहर से आए हुए मजदूरों को कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए उपस्थित सामान हर एक चीज मुहैया करवा दी जाए। जब तक क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा तब तक मजदूरों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ग्राम पंचायत रामनगर अंतर्गत कोसली पट्टी मध्य विद्यालय में क्वारंटाइन सेंटर का विधिवत व्यवस्था किया गया है, जिसमें अप्रवासी मजदूर जो बाहर से हर प्रदेश से आते हैं उनका सारी सुख सुविधा सारी व्यवस्था मुखिया जी के द्वारा किया गया है। यहाँ किसी तरह का किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमारे प्रशासन का भी काफ़ी सहयोग है, सब आदमी मिलकर इसमें सहयोग देते हैं। हमारे इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक समूह जी भी काफ़ी सहयोग करते हैं, इनको भी प्रतिनियुक्त किया गया है और किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। समय समय पर जो सरकारी सुविधा है वह हम करवा रहे हैं और जो भी दिक्कत होगा हर दिक्कत का सामना हम लोग करने के लिए तैयार है। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर इमामान आलम, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत रामनगर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्तम यादव। कहाँ से आए आप? गुड़गांव से। गुड़गांव से, वहाँ दिक्कत हो रही थी? बहुत दिक्कत हो रहा था वहाँ खाने पीने का। कंपनी से पेमेंट भी 2 महीना का नहीं किया, कंपनी से निकाल दिया, इसलिए हम लोग वहाँ पे खाने पीने में बहुत तकलीफ में थे। तब आप लोग विचार किए कि अब अपने गांव चले जाना है? हाँ, अपने विचार किए, फिर ऑनलाइन करवाए सब आदमी का नाम। ऑनलाइन करने में पैसे उसे लगा? 50 रुपया एक आदमी से लिया गया। यात्रा करते वक्त कोई परेशानी कोई दिक्कत? यात्रा तो गुड़गांव में 24 घंटा वहाँ खड़ा खड़ा रह के जब उसके बाद ट्रेन में बैठाया गया, ट्रेन में बैठाने के बाद परेशानी नहीं आया कोई। खाने पीने के लिए 2 जगह मिला, उसी पे पानी पी पी कर किसी तरह अपना पंचायत आए हैं। यहाँ भी आप लोग कितने आदमी हैं? 25-30 आदमी है अभी और आने वाला है अभी 5 आदमी आज। इस सेंटर का नाम मालूम है आपको? सेंटर का नाम मालूम है। क्या नाम? मध्य विद्यालय कोसली पट्टी। कितने आदमी बोले आप लोग? 25-30 आदमी है। 25-30 आदमी और आने वाला है? और आने वाला है आज। यहाँ का व्यवस्था आप लोगों को कैसा लगा? व्यवस्था बहुत बढ़िया है यहाँ का। अब यहाँ कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अब तो सब आदमी हम सोच रहे हैं घर आ गए हैं। चलिए, आपको क्या दिक्कत था? दिक्कत ये था कि हम तुलापट्टी पंचायत में थे तो वहाँ से निकाल दिया गया था। सुपौल तुलापट्टी? हाँ, सुपौल तुलापट्टी, वहाँ से निकाल दिया गया था। बोला अपने पंचायत में जाओ, जो जिसका पंचायत का है उसी पंचायत में रहो, इस पंचायत में मत रहो। चलिए, कौन निकाला था आपको? मुखिया जी, तुलापट्टी का मुखिया। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।